हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो होप आप सब बढ़िया हो गए। तो अभी क्या है, दिन की रोशनी सीधा आंखों में लग रही है मॉर्निंग में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है भाई मिस्टर इशू के साथ, और ये है भाई की बाइक। तो अभी हमने सोचा है वहाँ ऊपर पहाड़ों में जाने का, गुलडंडा तक। अभी देखते हैं कैसा रहता है वहाँ तक। तो बाइक ये वाली है, तो निकलते हैं सीधा ही यहाँ से। फ्रेंड्स अभी पहुंचे हैं कुछ ऐसी लोकेशन पे, तो अभी यहाँ पे बाइक लगी है तो उतरे क्यों है। तो पीछे आप देख सकते हो बर्फ कितनी ज्यादा है पहाड़ों पे। तो इतनी ठंडी हवा चल रही है ना कि भाई मैं पछता रहा हूँ मैंने हेलमेट भी नहीं लाया इस जगह पे। और भाई देखो फुल टशर में अभी बैग शेग लेके और जिपर ये भाई फुल, मतलब जैकेट कपड़े भाई आया है कपड़े लगा के, शूज भी देखो कौन सा लगाया है, इसको पता है बर्फ में जाना है। ऊपर देख लो कितनी ज्यादा बर्फ है, उस साइड पूरी बर्फ ही बर्फ है गाइस। और हवा इतनी ठंडी चल रही है ना भाई, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है। तो चलते हैं यहाँ से ऊपर, तो मिलते हैं सीधा गुलडंडा में। तो गाइस अचानक से बाइक बंद हो गई है गाइस, आप देख रहे हो यार सीन हो गया, पेट्रोल खत्म। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, थैंक यू व्लॉग गाइस। तो गाइस देख रहे हो सनबाई पे ऊपर बर्फ थोड़ी थोड़ी गिर चुकी है, और यहाँ पे एक होटल है बढ़िया वाला, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर होगा कोई शबरी व्लॉगर की बाइक यहाँ पे बंद हो चुकी है जैसा आप देख सकते हो। बाकी वो देखो उस साइड क्या बर्फ पड़ी है, क्या बढ़िया व्यू यहाँ से आ रही है। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, आगे का दिखाओ आगे का कैमरामैन। तो ये देख सकते हो आगे की लोकेशन क्या बढ़िया आ रही है, और बाइक को थोड़ा रुका लेते हैं। आगे देख रहे हो क्या बर्फ गिरी हुई है एकदम बढ़िया वाली। तो अभी हम पास पूरा पहुँच के गुलडंडा में, गुलडंडा प्रॉपर गुलडंडा हम पहुंच चुके हैं जैसा आप देख सकते हो। सो गाइज अभी भाई हमारे चाय बना रहे हैं एंड ये चाय तैयार कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे चाय पियेंगे, खुद को थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो जुनेद भाई आग में थोड़ा सा खुद को गर्म कर रहे हैं, हम भी थोड़ा सा यार देख लेते हैं, लेकिन ये जाने नहीं देंगे यार आगे। तो अभी भाई मेरे को भी इतनी ज्यादा सर्दी लग रही है, और पीछे जैसा बर्फ देख सकते हो कितनी ज्यादा बर्फ है। तो हमारा मूड बना है उस साइड उस वाले पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे जाके ड्रोन उड़ाने का। वैसे मूड तो था पूरा टॉप पे जाने का, लेकिन नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा बर्फ है और ठंड का तो पूछो मत। अगर वहां तक भी पहुंच गए तो बड़ी बात है। तो देखते हैं अभी कहाँ तक पहुंचते हैं, और वहां से हम लेते हैं बढ़िया सी ड्रोन शॉट। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं कुछ ऐसी लोकेशन पे जैसा आप इसे देख सकते हो। हमारे साथ और भी भाई यहाँ पे जुड़ चुके हैं जो कि डोडा से आए थे यहाँ पे, तो ये भी हमारे साथ ऊपर आ गए ट्रैकिंग पे। तो मुझे लगता है यहाँ से ऊपर तो नहीं जाना बनेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ है, और मैं बिल्कुल नॉर्मल शूज़ लगा के आया हूँ भाई। ये बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है और यहाँ पे इशू खींच रहा है फोटो, तो यहाँ से ऊपर मुश्किल है, ना जा पाएंगे ना कुछ। मैं रुक रहा हूँ थोड़ी सी हवा कम हो जाए और हम ड्रोन शॉट ले लें। तो मसला बस इतना ही है कि हवा थोड़ी चल रही है यहाँ पे, क्योंकि भाई हवा में ड्रोन उतना स्टेबल नहीं रह पाता। तो चलते हैं ऊपर लेते हैं ड्रोन शॉट।
अभी ड्रोन शॉट भी हो चुके हैं, अभी रुके हैं हम कुछ ऐसी लोकेशन पे और भाई भी साथ में, तो अब यहाँ से निकलते हैं वापस क्योंकि ठंड का लेवल बहुत ही ज्यादा है, जुकाम भी लग चुका है यहाँ पे और हालत खराब है, तो निकलते हैं। दोबारा नहीं आएंगे सर्दी में यहाँ पे, दोबारा नहीं आएंगे, खत्म, लास्ट चक्कर था भाई यहाँ का, गया, निकलते हैं यहाँ से सीधा वापस। अभी देख लो फ्रेंड्स रास्ता कैसा भयंकर रास्ते से चल रहे हैं हम, यहाँ पे कीचड़ देख रहे हो वो सारे आगे निकल गए हैं, तो मैं आराम आराम से चल रहा हूँ पीछे से क्योंकि भाई मेरा शू बहुत ज़्यादा स्लिप मार रहा है और कीचड़ भी यहाँ पे, कीचड़ और बर्फ़ बिल्कुल मिक्स है, तो इसलिए भाई पैर फिसल गया तो हालत ख़राब हो जाएगी। जैसे देख सकते हो आप कैसी जगह है, बंदा कहीं नहीं रुकेगा, तो इसलिए मैं चल रहा हूँ आराम आराम से बिल्कुल और ये चल रहे हैं आगे। और ठंड मेरे को जितनी लगी है ना, मैं बोल नहीं सकता कितनी ज़्यादा ठंड लगी है, मैं चल रहा हूँ बिल्कुल आराम से क्योंकि भाई पता नहीं है पैर वैर फिसल गया तो हालत ख़राब होगी। और बाकी ड्रोन शॉट हमने ले लिए, तो ड्रोन को भी पैक कर लिया मैंने, तो वो आगे निकल चुके हैं, तो चलते हैं नीचे।